मुजफ्फरपुर में हुए सुनीता किडनी कांड को लेकर आज जिलाधिकारी के समक्ष वाम जनवादी संघर्ष मोर्चा के सदस्यों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकारी स्तर पर सुनीता को किडनी की व्यवस्था की जाए, साथ ही जल्द से जल्द सुनीता किडनी कांड के मुख्य अभियुक्त डॉक्टर आर के सिंह को गिरफ्तार किया जाए। सुनीता को 3 सितंबर को एक दर्द होता है, सुनीता जब जाती है डॉक्टर के पास तो कहता है डॉक्टर जी इसको गर्भाश का ऑपरेशन कर, खास का ऑपरेशन करने के आड़ में यानी दोनों किडनी उसको निकाल लिया और आज तक वो जिंदगी अमर से जूझ रहे हैं। प्रशासन और सरकार आज तक जो है उसको सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि पंचायती राज मंत्री 16 अप्रैल को जब जाता है सकरा में, मुरारी प्रसाद गौतम पंचायती राज मंत्री, उन्होंने बयान दिया है जो सुनीता को जो लड़ने वाला जो धरना देने वाला है उसको जो है से किडनी दे देना चाहिए। और उन्होंने उदाहरण दिया लालू जी को, जो लालू जी का जब किडनी खराब होता है तो उनका जो है से बेटी किडनी देती है और तेजस्वी यादव कहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं उस मंत्री महोदय से, क्या लालू जी का किडनी कोई डॉक्टर निकाल लिया था? उनको जो है से अपने किडनी जब डैमेज होता है और किसी को डॉक्टर आपका निकाल लेता है किडनी, दोनों का केस एक मिलाइएगा। इस सवाल पर हम राज्य मंत्री से हम इस्तीफा की मांग करते हैं, पूरे बिहार की जनता से वो मंत्री को माफी मांगना चाहिए जे सवाल को क्यों ऐसे जवाब देते हैं वो। दूसरी बात, मुख्यमंत्री महोदय से हम मांग करते हैं कि आज 6 महीना से ऊपर हो गया किडनी कांड का, आज तक इनका प्रशासन ऐसा मतलब अंधा हो गया है कि आज तक आर के सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ गिरफ्तारी? 6 महीना से ऊपर हो रहा है, जिंदगी मौत से जूझ रही है, हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। तो यह मुजफ्फरपुर में आते हैं नीतीश कुमार जी, क्या उनको जो ऐसे नहीं बुझाया जो कि सुनीता मौत से जूझ रही है? डीएम साहब बोलते हैं कि हम सूद लेते हैं, हम सरकार पर लिख रहे हैं जो किडनी जो है सर उसको लगेगा, सरकारी स्तर पर सारा व्यवस्था होगा, आज तक क्यों नहीं लगा किडनी? काहे वो मौत और जिंदगी से जूझ रहे, उसका जो है चंदा वसूल करके वो जो है से 1000-1500 रुपया उसको लग रहा है पड्ढे का, आज तक सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हुआ। अगर नहीं होता है व्यवस्था तो वाम संघर्ष मोर्चा की बैनर तर आने वाला दिन इतना बड़ा लड़ाई होगा जिसका जवाब दे यहाँ का प्रशासन होगा और यहाँ की सरकार होगा। यह आंदोलन जो है से रुकने वाला अब नहीं है, यह आंदोलन जो है से बिहार बंदिश की तरफ बढ़ेगा। फिलहाल सुनीता भी कहाँ पे बिहार अभी सुनीता मेडिकल में अभी जिंदगी मौत से जूझ रही है, उसको जैसे सही से इलाज नहीं हो रहा है, उसको जो है से मतलब कब दम तोड़ देगी इसका कोई कौन जवाब दे लेगा? मुख्यमंत्री जी जवाब दे लेंगे। आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, डीएम से मिलना है? डीएम साहब से मिलना है, डीएम साहब से एक कहना है जो डीएम साहब आप बीच में जो है से कहे थे जो हम सरकार के लिख रहे हैं अविलंब कार्रवाई होगा, आज तक क्यों नहीं हुआ कार्रवाई? एईएस से बचाव के लिए राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत आज जिले के सभी प्रखंडों में प्रचार रथ के रूप में गाड़ियों को डीएम प्रणव कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि प्रत्येक दिन विभिन्न पंचायतों में प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रत्येक पीएचसी में पूरी तैयारी कर ली गई। एईएस से बचाव के लिए जिले के 30,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम किया जिसमें लगभग प्रशिक्षण हो गया। इस अभियान के तहत एईएस से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। चमकी को लेकर एईएस को लेकर के लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं और तैयारियों की समीक्षा भी लगातार की जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज जिले के सभी प्रखंडों में प्रचार रथ के रूप में गाड़ियों का रवाना किया गया। 24 से भी अधिक गाड़ियाँ इस क्रम में रवाना की गई जिनके द्वारा प्रतिदिन प्रत्येक पंचायत में जा करके विभिन्न पंचायतों में जा करके चमकी के से जो निजात पाना है या चमकी के लक्षण होने पर तुरंत क्या किया जाना है इसके संबंध में लगातार प्रचार प्रसार किया जाएगा और आवश्यकतानुसार ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। प्रत्येक पीएससी पर हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है, यदि किसी भी तरह का मामला आता है तो उसकी तुरंत चिकित्सा वहाँ संपन्न की जाएगी। और इसके अतिरिक्त जिले के 30,000 से भी अधिक लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है जिसमें लगभग प्रशिक्षण पूरा हो गया है। ANM आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका शिक्षकगण विकास मित्र और सभी स्टेक होल्डर्स PRI मेंबर्स इन सभी को प्रशिक्षण कार्य कराया जा रहा है। मॉपअप राउंड भी हम लोग चलाएंगे और 20 मार्च तक ये पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संपन्न करा लिया जाएगा। दवाइयाँ सभी जगह उपलब्ध करा दी गई हैं और सभी तरह की आवश्यक तैयारी की गई है, लेकिन जिस तरह का मौसम है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल जीरो डेथ पॉलिसी और मिनिमम हमारे पास केसेस आवें
और जो भी केस आवे बिल्कुल निश्चित रूप से उसका बेहतर तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट कर सकें, इसको लेकर के हम लोग अपनी पूरी तैयारी हम लोगों ने कर रखी है। प्रशासन द्वारा लगातार इसके बारे में तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई है और समीक्षात्मक में समीक्षा बैठक में जो भी प्रॉब्लम सामने आए हैं उन पर लगातार कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। प्रशिक्षण लगभग हम लोगों ने कंप्लीट करा लिया है और गांव में प्रचार प्रसार अभियान चलाया जा रहा है। एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी सेविका, विकास मित्र, पंचायत मेंबर्स, इन सभी लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और सेंसिटाइज भी किया गया है और हम लोग बिल्कुल जीरो डेथ पॉलिसी, मिनिमम केसेस के सामने आए इस पॉलिसी पर हम लोग चल रहे हैं और पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं इस बार चमकी को पूर्णतः धमकी और निश्चित रूप से हम लोग इस पर कंट्रोल करने में सकते। कुछ गांव को भी चिन्हित किया गया है सर जिसको गोद लिया जाने वाला कुछ है? बिल्कुल, करीब 250 से अधिक गांव हम लोगों ने चिन्हित किए हैं जहां पर विभिन्न पदाधिकारियों को गांव अडॉप्ट करने के लिए दिया गया और प्रत्येक सप्ताह उनके द्वारा वहाँ जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा और विभिन्न पंचायतों में मेरे द्वारा जाकर भी इसका निरीक्षण और इसका प्रचार प्रसार कराया जाएगा। कुमार, इंटरनली खुश है कि नाराज है? हमारे पास इसका कौन सा लेंस है कि हम देखकर बता दें, लेकिन पत्रकार होने के नाते आप तो ये देख ही रहे कि नीतीश कुमार ने उसके पक्ष में भी कुछ नहीं बोला, विपक्ष में भी कुछ नहीं बोला, गोल गोल घुमा के इतना गोल गोल घुमा दिए कि उनको खुद ही नहीं पता चला कि वो क्या बोले। तो भाई अगर उनको लगता है कि लालू यादव या लालू यादव जी के परिवार पर जो छापा पड़ा है ये गलत है, वो भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त है, तो नीतीश कुमार को आकर बिल्कुल सादगोई से ये कहना चाहिए कि भाई हमारे सहयोगी हैं और इन पर भ्रष्टाचार का सारा जो आरोप है वो निराधार है, ये लाइव कहना चाहिए। और अगर ये नहीं कह रहे हैं तो अपने आप आपको पता है कि वो क्या कह रहे हैं। भाई नीतीश कुमार को ये जैसे आरजेडी के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, तो नीतीश कुमार को भी ये कहना चाहिए। ललन सिंह से काहे कहलवा रहे हैं भाई, अपने क्यों नहीं कह रहे हैं, अपने मुंह में क्यों दही जमाया हुआ है, ये बताता है आपको कि नीतीश कुमार अंदर से क्या सोचते हैं कि हमारे बाद, उनको भी मालूम है कि 25 के बाद तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो हमारे बाद ऐसी सरकार रहे जो आज से भी बदतर हो ताकि लोग ये याद करें और कहे कि भाई कुछो कहो कतनो खराब रहे नीतीश कुमार के सरकार, से तो ठीक रहे। आप नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं, हम उनको बहुत अंदर से जानते हैं। ये नीतीश कुमार हम उनके साथ घर में रहे हैं सालों तक, तो मैं आपको बता रहा हूँ नीतीश कुमार को कोई आरजेडी और तेजस्वी यादव आप हमको कोई पत्रकार में आपको दावा कर रहा हूँ नीतीश कुमार के मुंह से ये कहलवा दे कि लालू यादव तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार में शामिल नहीं, ये कहते नीतीश कुमार कि आपकी नजर में आरजेडी के नेता लालू जी तेजस्वी यादव या उनके सहयोगी भ्रष्टाचार में लिप्त है कि नहीं है, नीतीश जी कहते कि नहीं है, इसमें दिक्कत क्या है, ये कहने में उनको कौन रोक रहा है, ये तो ईडी सीबीआई नहीं रोक रही है उनको। नीतीश जी को मैं चैलेंज करता हूँ, कह दे आप छाप दीजिए इस बात को, मैं चैलेंज कर रहा हूँ अगर नीतीश कुमार में दम है तो ये कह के बता दें कि लालू यादव और तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है जिसके